देखिए फ्रेंड्स, आज हम HTC ट्रिमर को अनबॉक्स करके बताने वाले हैं और इसको टेस्ट करके बताने वाले हैं ये कैसे चालू होता है और इसके अंदर क्या क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। आप देख सकते हैं HTC AT1220 मेंस, आप इसका बॉक्स देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर भी देख सकते हैं। अब इसको अपन अनबॉक्स करते हैं और इसके अंदर चेक करते हैं ये कैसा है। चलो अपन शुरू करते हैं इसको अनबॉक्सिंग और इसके अंदर क्या क्या है ये देखिए। अब इसको अनबॉक्स करते हैं। अब इसकी पूरी जानकारी जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी साइज़ दी हुई है, नंबर छोटा बड़ा अपन अलग अलग साइज़ के अपन कटिंग कर सकते हैं, इसको लगा के एडजस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, ये इसका चार्जर दिया हुआ है, इसका चार्जिंग केबल है, इससे अपन इसको चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। इसको चार्ज कैसे करते हैं वो भी अपने इस वीडियो में बताएंगे। और ये देखिए, ये यहाँ पे जंग वंग नहीं आवे, थोड़ा ऑयल डाल देने का कभी कभी तो इसमें जंग नहीं आवे, वो कहाँ पर डालना है वो भी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये देखिए, ये इतनी सारी साइज़ दी हुई हैं, इसके अंदर अपने को छोटा बड़ा साइज़ कर सकते हैं। तो अपन इसको अब अनबॉक्स कर रहे हैं। ये देखिए, ये अपन ट्रिमर को अनबॉक्स कर दिया है, तो अपन इसको अब साइड में रख देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं इसका ये ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, इसको आगे करना है तो ऑन हो जाता है और पीछे करेंगे तो ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर इसका चार्जिंग का फोन दिया हुआ है, ये यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अब इसको अपन चालू करते हैं और इसके फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये चालू हो चुका है ट्रिमर, तो इसके ऊपर हाथ घुमाएंगे तो भी अपना हाथ कटता वड़ता नहीं है। ये सबसे जीरो साइज़ है और अभी अपने को इसमें थोड़ा साइज़ बड़ा रखना है, तो अपने को यहाँ पे ये देखिए, ये नंबर दिया हुआ है, ये 7 mm यानी कि इसकी 7 नंबर की साइज़ है। तो अपने को यहाँ पर ऐसे फिट करना है। कैसे फिट करना है, यहाँ से ऊपर से रख के थोड़ा नीचे की साइड में इसको थोड़ा प्रेस करना है। ये देखिए, इसको ऐसा प्रेस करना है, तो ये आराम से इजीली ये इससे साइज़ बड़ा कर सकते हैं। अब इसको अपने को दूसरा साइज़ लगा के चेक करना है, तो ये देखिए, यहाँ पे इसका साइज़ दिया हुआ है, ये 1 mm, ये 1 mm दिया हुआ है। तो इसको अपन अब इसको भी लगा के बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये 1 mm है, ये सबसे छोटी सही है, 0 नंबर के बाद 1 mm आता है, फिर ये 1 mm सही है। ये देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं, ये 1 mm साइज़। अब लेते हैं 3 mm, ये इसकी साइज़ है 3 mm, यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 mm है। ये देखिए, ये लग चुका है आराम से। अब इसको अपने को पीछे से प्रेस करना है, ये चालू हो चुका है, ये आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। इसको वापस ऑफ कर देते हैं और ये देख सकते हैं, ये 5 नंबर है, इसका 5 नंबर आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर है। इसके अंदर 4 साइज़ दी हुई है अपने को, ये लग चुका है, टोटल 4 साइज़ है इसके अंदर। चारों साइज़ को अपन लगा सकते हैं। अभी इसको चार्जिंग कैसे करते हैं वो भी बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये चार्जिंग का पिन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका चार्जिंग का पॉइंट है, ये इसको अपने को यहाँ पे प्रेस करना है। ये देखिए, यहाँ पे चार्जिंग का पॉइंट लग चुका है, इजीली ये प्लग में लगाना है, इजी चार्ज हो जाता है। ये देखिए, और यहाँ पे ये ऑयल का डब्बी है इसका, तो यहाँ पे इसका ऑयल डालना है, थोड़ा सा नॉर्मल डालना है तो कभी जंग वंग नहीं आवे, एकदम स्मूथ चले, ये इसके लिए ऑयल का डब्बी दिया हुआ है। तो अपने को ये कभी कभार थोड़ा सा ऑयल डाल देने का है, तो ताकि इसको जंग नहीं आवे, एकदम हल्का चले। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। और हर रोज़ में ऐसे ऐसे नए नए वीडियो अनबॉक्सिंग का लाता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, थैंक यू।